बाद में समझ आती है तो मैं अबू से सबसे ज्यादा प्यार करती। चलें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी। नीलो पर खटकती हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, साकी बात कर रहा हूँ। क्या बात है साकी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र। तो मेरे भाई माइक आपके सामने है, पाकिस्तान सुन रहे हैं, बताएं क्या कहना चाहेंगे अम्मा के बारे में। माँ के बारे में यही कहूँगा कि माँ है तो जहाँ है, माँ नहीं तो जहाँ। ये बंदे ने बात 110% ठीक बोली है। मैं इस कर्ब से, इस मुश्किल वक्त से गुजर चुका हूँ। माँ है तो दुनिया है, वरना जहाँ है वरना नहीं है। उसके बाद जब वो पर्दे, वो जी, ये जो दो सर के ऊपर पर्दे होते हैं ना इंसान के, माँ और बाप का, जब ये हटते हैं ना, और मेरे तो क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर दोनों चले गए, तो फिर मुझे पता चला कि ये कड़ी धूप जब आपके सर पे पड़ती है तो दुनिया आपको, आपके साथ कैसे खेलती है और दुनिया आपको कैसे नचाती है। सो ये वो दो पर्दे होते हैं जो कि दुनिया में आपका भरम रखते हैं। सो और जब आप घर से बाहर होते हैं तो माँ बाप की दुआएं फिर वापस घर में ले गया। ऐसे ही है। और कुछ कहना चाहोगे साकी? बस यही कहना चाहता हूँ, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, आज ये सिर्फ अपना अपना थोड़ा थोड़ा एड ऑन कर रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि माँ तो सभी की है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मनी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी मनी भाई, मेहताब इंसानियत बात कर रहा हूँ, पाक अफगान बॉर्डर से। पाक अफगान बॉर्डर से मेहताब, बड़े अरसे के बाद आए मेरे दोस्त भाई। बस ऑन ड्यूटी हूँ, टाइम नहीं मिलता, ट्रांसमिशन भी नहीं आती है। चलो मुझे ये बताओ मेहताब के, क्या कहना चाहोगे आज? जी मानी भाई, मम्मी की तो बहुत याद आती है, और आई लव यू कहना चाहूंगा मैं। आई लव यू, आई लव यू मॉम। क्या बात है, चाहे वो। और पाकिस्तान आर्मी के जितने जब भी मैं मनी भाई कॉल नहीं करता हूँ तो फिर अम्मी, अगर एक वीक में कॉल ना करूँ, टाइम नहीं मिलता ना, सिग्नल नहीं आते, मोबाइल काम नहीं करता, तो अम्मी बोलती है मेहताब घर में तुम्हारा कोई है ही? मैंने कहा अम्मी बहुत सारे हैं। अच्छा, आज भी डांट पड़ती है यानी के है? जी भाई, मैंने कहा आज भी डांट पड़ती है। मानी भाई अम्मी से डांट पड़ती है ना। अच्छा, ये वो मेहताब कॉल क्यों नहीं है? मैंने कहा अम्मी, अच्छा माँ वो जिंदगी का वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको डांट ज्यादा पड़ती है। मैं अभी बता रहा था कि अगर मैं पूरी बिजती जो है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं बिजती हुई, ठीक है, तो उसमें से अगर 80% जो है ना वो अम्मा के खाते में है, ठीक है, 20% की आगे पीछे। जी मानी भाई, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको सलाम देना चाहूंगा यहाँ से। हाँ जी जी, मुजाहिद मलिक हैं, और उसके बाद सुमेर हैं, मसीमा फातिमा, इकरा राजपूत, एरम राजपूत, और जितने भी स्पेशली अपने नाम के साथ इंसानियत लगाते हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया कैप्टन मेहताब से जी, पाकिस्तान आर्क। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? मुजाहिद बात कर रहा हूं, गार से। जी मुजाहिद, क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, मैं खुद जैसे टॉपिक है ना मानी में डरने लग गया, क्योंकि मैंने कल ही मैं अम्मी को जानबूझ छेड़ा और अम्मी ने कहा बकवास कर रहा है। ऐसे ही, ऐसे ही। और मैं जब भी जाता हूँ ना अब्बू के सामने, अम्मी से इतना प्यार करता हूँ ना, अब्बू कहता है इसको शर्म ही नहीं आती, क्या पढ़ा इसने? मैंने कहा यही पढ़ा भी, माँ बाप से प्यार करें। और हमेशा अब्बू कुछ भी ना कहें तो मैं खुद अब्बू कहता हूँ, अब्बू आप लेट जाएं, मैं आपको दबाता हूँ, और अम्मी को खुद मैं सर में तेल लगाता हूँ। और जब भी मतलब कुछ होता है, अम्मी हमेशा मुझे कहते हैं भाई मुजाहिद ये हो गया है, आप कुछ करें। तो बड़े भाई हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कहते, अम्मी मुझे कहेंगे। और फखर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फौरन वो काम करता हूँ, कभी कहते ना कि डिले कर देना, कभी भी नहीं। अच्छा मुजाहिद, ये जिंदगी में ना जन्नत कमाने का फॉर्मूला मिला हुआ है, इसको बस जारी रखना, इसको खत्म करना, इसको बिल्कुल खत्म। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से? मलिक सलीम फ्रॉम दुबई। मलिक सलीम फिर से आ गया जी। मलिक सलीम, अब तो आना बनता था, प्रदेश में बैठे हो यकीनन, अम्मा तो बहुत याद आती होंगी। जी बिल्कुल, मेरी माँ मेरे लिए जान है, जिंदगी है, सब कुछ मेरी माँ है। मैं कहता हूँ कि ये जो जिस तरीके से सलीम बोला है ना, वो कहते हैं ना इंसान के अल्फाज जो है वो बता देते हैं, वो जो आवाज की थरथराहट थी ना,
आवाज की दुनिया के लोग हैं, समझ जाते हैं। मुझे पता है अम्मा को मिस कर रहे हो। जी मानी भाई, मैं एक दिन कॉल न उनकी कॉल ना हो उनसे तो मेरा दिल बहुत बेचैन होता है। दूसरे दिन यानी डेली मेरी बात हो जाती है, लेकिन एक किसी वजह से एक दिन बात ना हो तो दूसरी वजह से दूसरे दिन मेरे दिल को बहुत बेचैनी महसूस होती है। बस सलीम, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और उनके हक में दुआ किया करो, ठीक है? ठीक, आई लव यू मॉम। जीते रहो। अच्छा, मुझसे यहाँ किसी ने पूछा कि मानी भाई आज आपने ये टॉपिक क्यों रखा, तो हाँ मैं भी आज अपनी अम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो सारी बातें, वो जब घर जाते थे, जब वो दरवाजे पे रात को 3 बजे भी आके खोल के दुआएं देती थी, बिस्मिल्लाह करके रोटी रखती थी, वो सारी चीजें आज जब पिछले 3 साल गुजर गए, इस चीज को मिस करते 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 अभी भी जब दिल बड़ा तंग होता है तो यहाँ से गाड़ी निकालता हूँ, गुजरात चला जाता हूँ, जब कब्र पे बैठ के दुआ करता हूँ तो दिल को तसल्ली मिलती है। लेकिन ना उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा, ये जो आपके हाथ में जन्नत है ना, जो आपके घर में है, ये वक्त जाया मत करें, इसमें फायदा उठा लें, जिए, उनको भी जीने का मौका दें जिन्होंने आपको दुनिया में लाया, उसके बाद आपकी परवरिश की, आपको सिखाया, और जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मेरी अम्मी को कुछ नहीं आता। ये चीज मार जाती है माँ को। जिस दिन आपने खड़े होकर माँ के सामने ये कह दी ना, आपको नहीं पता मुझे पता है, उस दिन समझ लें कि वहां आपने माँ को खत्म कर दिया। अगर आपने कोई ऐसी गलती की है, कोई ऐसी बात लड़ाई की है, यकीनन होती है घर में, सो उनसे जाके माजरत कर लें, माफी मांग लें। वो कहते हैं ना, हयात है तो माफी मिल जाएगी, अगर चली गई तो माफी नहीं मिलेगी। मेरा नाम जी इमरान अली मानी है और 101 ट्यून इन करने का बहुत शुक्रिया। 101 इंटरनेशनल रात 2 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा। नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहां से? अच्छा ठीक हो गया, क्या कहना चाहोगी? भाई मैं तो भी मुझे तो आपका शो मिस कर दिया। तो फिर कॉल कैसे कर लिया आपने? ठीक है, आप भाई है ना हमारे। हाँ चलो, ये तो भाई वैसे मैं सोच रहा हूँ अगला प्रोग्राम जो है ना भाई पे करूँ, क्योंकि ये भाई जो है ना बहनों से बड़े तंग भी होते हैं, सो अगला प्रोग्राम जो है ना वो भाई पे करते हैं, जरा भाइयों के भी गिले। बता देना, बता दे। अभी नहीं बताऊंगा, चलो अभी फिर दोबारा अभी रेडियो लगाओ, सुनो, फिर अगली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? गला जरा साफ कर ले, मौसम बदल रहा है, गला आपका खराब है। इकरा बात कर रही है। इकरा क्या कहना चाहोगी? जी आ जाओ इकरा। मेरी माँ का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से? अवैस खान बात कर रहा हूँ, साउथ कोरिया से। अवैस खान ने साउथ कोरिया से कॉल किया। अवैस कैसे हो? ठीक ठाक भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है, बस दुआ किया करें। बस मेरी दुआएं तो फिर चल पड़े। तुम ये बताओ कि क्या कहना चाहोगे आज अम्मा से, इतनी दूर बैठे हो घर से? अम्मा से ये बात कहना चाहूंगा कि सब रिश्ते मार दे, लेकिन जिस वक्त माँ की बारी आती है, माँ पहले आती है, बाप बाद में आते हैं, माँ बाप। क्या बात है, इनके माँ का नंबर पहला है ना जिंदगी में। जी भाई, हर 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 रिश्ते जो है ना, मियाँ बीवी या जो भी आप लेंगे, पहले मर्द आएगा फिर औरत आएगी, लेकिन माँ बाप कैसा रिश्ता है जिसमें माँ पहले आएगी बाप बाद में आएगा? ऐसा ही है, इसलिए अल्लाह पाक ने भी 70 माओं से ज्यादा प्यार किया। बाप का ये और रिश्ता दुनिया में 100 रिश्ते 1000 रिश्ते, लेकिन सिर्फ माँ का गाया अल्लाह पाक ने, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा मैं सोच रहा था, जब मैंने अवैस से कहा कि अवैस क्या कहना चाहोगे, तो इसने जब कहा ना मैं अम्मी से कहना चाहता हूँ कि मेरी शादी करवाएं, तो मैंने कहा शायद भाईजान जो है वो नहीं, वो मैंने नहीं करनी अभी। अच्छा नहीं करनी, चले जी। अवैस ने कह दी, आंटी अगर आप सुन रही, नहीं करनी अब, ठीक है आपने चलो, अभी नहीं करवानी है, मैंने कहा हुआ उनसे। चलो लेकिन ये तो प्यार मोहब्बत की बातें है ना जी भाई।
चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। साउथ कोरिया से कॉल थी जी, अब एस खान ने कॉल की थी जी। नेक्स्ट कॉलर की जाने